लोग भी एकदम बढ़िया ढंग से चलाएंगे ताकि कोई भी पंचायत समिति इनका जो एक जुटता बना है कि सदैव बना रहे। चर्चा है कि अगला प्रखंड जो बेलछी और अथमुलगोला में भी आपकी प्रत्याशी आगे है और वहाँ पर भी आपका ध्यान बहुत ज़्यादा अधिक है, क्या ये सत्य बात है? हाँ है। यानी बेलछी में भी विजय का पताका फहराने की चांस है? पूरा पूरा पूरा। अच्छा, ये जो है कि आप लगातार हर प्रखंड में आप प्रमुख पद की दावेदारी को पक्की करते जा रहे हैं, तो आने वाला समय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं बाड़वासियों को इसके लिए? हम इनके घर के एक परिवार हैं, एक सदस्य हैं। उस सदस्य के नाते जो हम लोग के सर्वो समाज में भटकते हैं, उनको भटकने से बचा कर करके हम लोग किसी नौकर को किसी अति को प्रमुख नहीं बनाए हैं। और जो पहले के प्रमुख कर रहे थे कि बनाते थे लेकिन उन बेचारे को कुर्सी पर भी बैठने का नसीब नहीं होता, और हम जो इस समाज से बने हैं उनका पूरा पूरा हक और पूरा पूरा अधिकार रहेगा। और सभी पंचायत समिति को अपने प्रखंड कार्यालय में इज्जत और सम्मान मिलेगा। आने वाले समय में विधानसभा की तैयारी की ओर आपका ये भी एक कदम बढ़ता हुआ विशेष रूप से है, ऐसा माना जाता है, आपका क्या कहना है? जैसे देखिए, हम पिछले बार भी विधानसभा का इलेक्शन लड़े हैं जी, तो हम नहीं लड़े हैं, पूरे सर्वो समाज के जनता और मतदाता लड़े हैं। और उन्हीं लोग अपने आप के लल्लू मुखिया को मानकर वर्क किए, जिसका परिणाम सभी लोग के सामने आया। और आगे भी जो भी सर्वो समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो सदैव हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, सदैव उनको हम नतमस्तक होकर सेवा करने का काम करेंगे। और हम में कोई शक्ति नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ें, हम प्रमुख बनाएं, सारा शक्ति इन लोग में है, सभी जनता में है, सभी मतदाता में है, सभी इलेक्टेड मेंबर में है, जो कि आज के दिन अहम भूमिका सभी भाई बंधु अपने भाई के साथ अपने को गार्जियन मान करके, और उन लोगों ने जिस तरह से एकता और साथ देने का काम किए हैं उनको हम सदैव आभार प्रकट करते हैं और सदैव उनका हम आभारी रहेंगे।